नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं 18 नवंबर जो कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में एक नाटक हम प्रस्तुत कर रहे हैं हम सभी मिलकर, जिस नाटक का नाम है रणचंडी, जिसके निर्देशक हैं देवराज चतुर्वेदी और मैं उसमें एक भूमिका निभा रहा हूँ काले का। तो मित्रों, मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से कि आप सभी आए, अपने परिवार के साथ आए, अपने बच्चों को लेकर आए, ताकि हम सब जान सकें कि आखिर हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने उस दौरान क्या संघर्ष किए। जो 1857 की क्रांति थी, उस क्रांति के दौर में किस तरह के संघर्षों के साथ उन्होंने अपनी ये सारी चीज़ें की, किस तरह अपने सेनानायकों को एकजुट रखा और किस तरह अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दिलाने में सहयोग दिया। सबसे पहली जो रणचंडी हमारे देश की थी, जिन्होंने एक अभूतपूर्व काम किया है जिसकी वजह से हमारे झांसी का नाम रोशन हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम इस नाटक को आए देखें, और मैं वेदांत भक्ति चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी वजह से हमारा ये संदेश घर घर पहुँचेगा और हर लोग इसे जानेंगे। तो मेरा फिर से एक बार आप सभी से अनुरोध है कि ज़रूर ज़रूर अपने बच्चे परिवार सबके साथ ये नाटक देखने ज़रूर आए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वसीम है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक बहुत अच्छा नाट्य करने वाले हैं जिसका नाम है रणचंडी और जिसके निर्देशक हैं हमारे देवराज चतुर्वेदी सर। उन्होंने मुझे इस प्ले के लिए एक जो रोल मैं करने जा रहा हूँ वो है मेजर एलिस का। मेजर एलिस जो कि एक अंग्रेज और मेजर है, सबसे बड़ी बात ये है हमारे सर की कि उन्होंने हमारे जितने भी कलाकार हैं सारे हमारे कलाकारों को इसमें ले गए और एक हमारी जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई हैं उनके जन्मदिवस पर ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और आप सारे लोगों से बहुत अनुरोध है कि सारे लोग फैमिली के साथ आएँ और ये देखें कि हमारे इस संघर्ष की पूरी कहानी जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई इस नाट्य को किस तरीके से क्या है, क्या किया है उन्होंने, और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े जो एक बहुत भूतपूर्व बहुत जरूरी है उसके लिए, और जो उसमें मैं मेजर एलिस का रोल करने जा रहा हूँ उसका मैं आपके सामने एक डायलॉग प्रस्तुत करूंगा। महारानी झांसी का अभिनंदन करते हुए मैं पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर हाजिर हुआ है, जिसके बाबत आपको जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।